पति पत्नी के रिश्ते में चल रहे विवाद के बीच अक्सर बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कोशिश की जाती है कि माता पिता में चल रहे विवाद से बच्चे दूर रहे। परशांति नगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पत्नी से चल रहे विवाद में एक पिता ने अपने ही बेटे को मोहरा बनाकर उसका अपहरण कर लिया और अपनी पत्नी को धमकी दी कि बेटा मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, मैं इसे जान से मार डालूंगा। शांति नगर पुलिस ने राम सुमेर बाबा नगर निवासी अक्सा अलीम परियानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अक्सा का आरोपी पति नागचुन रोड खंडवा निवासी अब्दुल अलीम नईम परियानी बताया गया। अक्सा और अलीम का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। उन्हें मोहम्मद हुसैन नामक 3 वर्ष का बेटा भी है। शादी के बाद अलीम और उसके परिवार ने अक्सा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अक्सा की शिकायत पर खंडवा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। तब से अक्सा अपने बेटे हुसैन के साथ शांति नगर में माता पिता के साथ रह रही थी। अलीम ने तलाक का नोटिस भी भेजा था। 1 महीने पहले अलीम ने फोन पर अक्सा को धमकी दी थी कि वह किसी भी तरह अपने बेटे को उठा ले जाएगा। सोमवार की सुबह 9 बजे के दौरान अक्सा बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तुलसी नगर के जैन मंदिर के पास अलीम और उसका साथी 4 पहिया वाहन पर पीछे से आए, अक्सा का रास्ता रोका और हुसैन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। विरोध करने पर अक्सा को धमकी दी कि बेटा मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, मैं इसे जान से मार डालूंगा। मेरा नाम अक्सा है, अक्सा अलीम परियानी। मेरा डिवोर्स हो गया है। मेरी शादी हुई थी 22 सितंबर 2019 में। उसके बाद में ये लोग मेरे ऊपर स्त्री धन के ऊपर से मेरे से झगड़ा करते थे। मेरे को बिल्डिंग से फेंक दिए थे, बिल्डिंग से धक्का मार के गिरा दिए थे। तो उसमें मेरा राइट पैर रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई थी। ये लोग मेरे को बार बार घर से हकाल देते थे, मारपीट करते थे, बहुत झगड़ा करते थे मेरे साथ में। उसके बाद मेरे को बेबी हुआ तो बेबी को भी मतलब मैं जब भी इन्होंने मेरे को घर से हकाल दिए थे। उसके बाद कल की घटना ये थी कि ये लोग बहुत देर से कार में वेट कर रहे थे और फिर जैसे ही मैं स्कूल लेने गई, स्कूल के लिए गई लेके बाबू को, तो वहाँ पर कोई वेट कर रहा था और एकदम से मेरी गाड़ी के सामने कोई आया और गाड़ी के सामने आने के बाद में एकदम से किसी ने मेरी गाड़ी पकड़ा और मेरे बच्चे को उठा के छीना छपटी करके, वो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने मेरे से छीना छपटी करा मेरे बच्चे की और उसने मेरे बच्चे को लेके चले गया। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, कोई नहीं आ रहा था। फिर लोग आए, लोगों ने फिर मेरी सुने, लोग भागे कार के पीछे, लेकिन कार इतनी स्पीड में थी कि अगर कोई कार के सामने आता तो वो स्पॉट पे मर जाता, इतनी स्पीड में थी। मेरा बच्चा बचपन प्ले स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम है मोहम्मद हुसैन और मेरे पति का नाम है अलीम परियानी। नहीं हाँ, मेरे पति ने मेरे को, मैंने बोली मेरा बच्चा क्यों लेके जा रहे, तो मेरे पति ने बोले कि बच्चा अगर मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, मैं जान से मार दूंगा इसको। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं हाथ जोड़ के विनती करती कि इनको, जिन्होंने मेरा बच्चा किडनैप करे उनको और उसके पूरे घर को कड़ी से कड़ी सजा हो। मेरी पुलिस से यही मांग है बस। मैं मेरे मम्मी के घर 9 महीने से रह रही हूँ मेरे बच्चे के साथ। रिश्तेदारों के जरिए अक्सा को पता चला कि अलीम अजमेर में किसी दूसरे युवती से विवाह भी कर चुका है, पर अब तक अलीम ने अपनी पहली पत्नी अक्सा को कानूनी तौर पर तलाक नहीं दिया है। सिर्फ 3 तलाक कहकर यूं ही अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर दूसरा घर बसा चुका है। बस उनका अफेयर था ये पता चला है, उनको दूसरी लड़की करना था यही पता चला है। हाँ, उनकी शादी हो गई है और वो फिर भी मेरे पीछे और मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। नहीं, उन्होंने मेरे को 3 बार तलाक 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 बोले थे, उसके बाद में वो कबूल नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हैं कि हमने तलाक नहीं दिए। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे थे, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन कोर्ट से अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। अपने बच्चे के अपहरण और पति से मिली धमकी के बाद अक्सा ने मामले की शिकायत पुलिस से की। तुरंत ही पुलिस जांच में जुट गई और अक्सा के 3 वर्षीय बेटे हुसैन के साथ ही आरोपियों की तलाश में पुलिस की 2 टीमें रवाना हो चुकी है। काल सकाळी शांतिनगर पुलिस स्टेशन मध्ये एक महिला आपल्या 3 वर्षाच्या मुलाला शाळेत सोडण्यासाठी जात असताना एका गाडीमधून काही 2 ते 3 व्यक्ती आले आणि त्यांनी तिच्या मुलाला हिसकावून ते घेऊन गेले अशी माहिती आपल्याला प्राप्त झाली। आणि त्या महिलेने हे स्वतः सांगितले की तिचा जो हिसकावून येणारा व्यक्ती आहे तो तिचा नवरा आहे आणि त्याच्यासोबत काही महिन्यांपूर्वी तिचा घटस्फोट झालेला आहे, तर तो घटस्फोटित नवरा तिच्या मुलाला बळजबरी गाडीमध्ये हिसकावून घेऊन गेला। तर सदरची माहिती मिळाल्याबरोबर आपले सर्व क्राईम युनिट आणि आपले पोलीस स्टेशनच्या पथकांनी त्या गाडीचा शोध सुरू केला, त्याचबरोबर गाडीमधील जे काही आरोपी होते त्यांचे नाव आणि मोबाईल नंबर मिळून ते त्याला आपण ट्रॅक करायला सुरुवात केली आणि CCTV आणि मोबाईल ट्रॅकिंगच्याद्वारे ती गाडी खांडव्याकडे जाते असं दिसल्यानंतर आपले सर्व पथक खांडव्याकडे रवाना झाले। सर्व आरोपी हे खांडव्याचे आहेत
तर त्यांचा आपण पिछा केला दिवसभर आणि रात्री आपली टीम खांडव्याला पोचली आणि दोन आरोपींना आपण तिथे ताब्यात घेतले आणि आज सकाळी आपण इतर आरोपींच्या ताब्यातून त्या लहान मुलाला आपण ताब्यात घेतलेलं आहे. ते त्याची सुखरूप आपण सुटका केलेली आहे. सध्या आपले दोन आरोपी आणि लहान मुलगा आपल्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. इतर जे आरोपी आहेत ज्याच्यामध्ये तो मुलाचे वडील आहेत त्यांचा अजून शोध सुरू आहे तिथे खांडव्यामध्ये. घटनेमागचा हेतू तेच होतं की ते जे पतीपत्नींचा डिवोर्स झालेला आहे आणि मुलाच्या कस्टडीवरून त्यांचा वाद असल्याचे समजते. तर मुलाला आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी ते त्याच्या वडिलांनी हे काम केले असलेले दिसत आहे. तर प्रथमदर्शनी त्याचे काही क्राईम रेकॉर्ड वगैरे त्यात दिसत नाही आहे. ते राहणारे सर्व मध्य प्रदेशचेच आहेत खांडव्याचे, परंतु ते कस्टडीसाठी हा प्रकार केल्याचे दिसत आहे मुलाच्या. ते फिर्यादी म्हणत होते की ते धमकी दिली होती काल त्याने की मी ज्या प्रकारे ते त्यांचं वागणं होतं, परंतु आपल्याला तो मुलगा सुखरूप मिळून आलेला आहे. मुख्य तर त्यांचं ते सध्या तरी चार लोक इन्वॉल्ड आहे असं दिसत आहे याच्यामध्ये पूर्ण घटनाक्रमामध्ये. तर खांडवामध्येच एक त्रयस्थ एक ठिकाण आहे, तिथून मुलगा मिळून आला आहे. ते आरोपीच्या घरून मिळून आलेलं आहे. सध्या जर जे चार दिस मिळालेत आरोपी ते तर स्थानिकच आहेत खांडव्याचे. इथलं कोण आहे अजून ते इन्वॉल्व्ह झालेलं नाही. एकदा सर्व आरोपी आले ती त्यांची इंट्रोगेशनमध्ये थोडं ते समोर येऊ शकतं जर कोणी मदत केलेली असेल तर. सुरुवातीला मुलाचे वडील आहे ते परियानी नावाचे आहेत. इतर आरोपींची अजून पूर्ण माहिती आलेली नाही कारण सर्व आरोपी खांडवालाच आहेत. तर ते इकडे आल्यानंतर आपण त्याची माहिती मिळू शकतो पूर्ण. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अन्सारी की रिपोर्ट.